सोमवार के दिन पर यदि किसी भी ग्रह का आधिपत्य होता है तो वो है चंद्रमा का। चंद्रमा का स्वभाव होता है पल पल घटना और पल पल बढ़ना। यही वजह है कि इस दिन जन्म लेने वाले बच्चों पर बखूबी इसका असर देखा जा सकता है। फिर वो चाहे गुस्सा हो, इमोशन हो या फिर कोई और भी बात, ये सारी चीजें आपके पूरे मन को विचलित भी करती हैं और आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव लाती हैं जिनके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का द डिवाइन सोल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनका जन्म सोमवार के दिन हुआ है। वैसे तो सप्ताह के सातों दिन जन्म लेने वाले बच्चों के ऊपर अपना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन सोमवार का दिन जो होता है वो उसमें भी विशेष होता है, क्योंकि सोमवार का दिन चंद्रमा का माना जाता है। इस दिन चंद्रमा का आधिपत्य होता है और भगवान शिव को भी सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। ऐसे जातक जो होते हैं उन पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है, लेकिन भविष्य में कई ऐसे बदलाव होते हैं जिनकी वजह से शायद आप हैरान रहने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र हमारा कहता है हम जिस दिन भी पैदा होते हैं उस दिन के स्वामी ग्रह जो भी होते हैं उनका हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि हम सभी के आचार विचार व्यवहार और इसके साथ ही खूबियां और कमियां ये भी अलग अलग होती हैं। आज के इस वीडियो में इसी सीरीज में मैं लेकर आई हूँ सोमवार के दिन जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनके स्वभाव में विचार में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्र का सबसे ज्यादा प्रभाव सोमवार के दिन होता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है उच्च अपना प्रभाव दिखा रहा होता है। सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित किया गया है और इसी कारण इस दिन के जो बच्चे जन्म लेते हैं वो स्वभाव से बहुत ही चंचल होते हैं। हालांकि उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है, स्वभाव से बहुत ही शांत और सौम्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही चंचल स्वभाव होने के कारण पल पल इनकी गतिविधियां भी बदलती हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी इन्होंने कुछ और कहा है तो थोड़ी देर बाद इनका वचन कुछ और भी हो सकता है। अंदर से तो बहुत ही शांत होते हैं, शीतल होते हैं और इनकी वाणी जो होती है वो बहुत ही मधुर होती है। हर किसी को अपनी ओर खींचने का गजब का आकर्षण इनमें होता है। आसानी से लोगों के बीच ये घुल मिल जाते हैं और हमेशा दूसरे लोगों की मदद के लिए भी तैयार होते हैं। स्वभाव की यदि ये बात करी जाए तो ये बहुत ही इमोशनल होते हैं और संकोची भी स्वभाव के होते हैं। चंद्र के प्रभाव के कारण ही ये अपने इमोशन को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भले ही फिर चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो या फिर आंसू ही क्यों ना हो। अपनी इमोशन की कमी को चाहकर भी ताउम्र सुधार नहीं पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का इनके ऊपर कंट्रोल होता है। सोमवार के दिन जन्मे जो जातक होते हैं बहुत ज्यादा इमेजिनरी पावर के ये मजबूत होते हैं, यानी कि इनकी सोचने की जो शक्ति है, कल्पना जो शक्ति है इनके, ये बहुत ज्यादा तेज होती है, या सही शब्दों में कहा जाए तो समय से भी तेज इनकी कल्पना शक्ति होती है। परिस्थिति के अनुसार हमेशा अपने आप को ढालने वाले होते हैं। कई बार ये अपनी कल्पनाओं के संसार से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। यह अपनी ही तरह दूसरे को भी समझाने में लगे रहते हैं और यही कारण है कि बहुत बार लोगों से धोखा खाते हैं। लोग इनका मजाक भी पीछे से कई बार उड़ाते हैं, लेकिन दिल के बहुत ज्यादा सच्चे होते हैं और वाद विवाद से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इन्हें दूसरे की बुराई करना या फिर चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। देखने में तो सुंदर और आकर्षक होते ही हैं, आसानी से किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। खासकर ऐसे बच्चों को अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव होता है, माँ के लाडले होते हैं और ताउम्र ये कोशिश भी करते रहते हैं किस तरीके से माँ के चहेते बनकर ये रह सकते हैं। समाज में इन लोगों का बहुत ज्यादा नाम होता है, फेम होता है, मगर मन जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है। इस वजह से एक काम में कभी भी एकाग्र होकर मन नहीं लगा पाते हैं। थोड़ी सी असफलता देखने के बाद ही परेशान हो जाते हैं और इमोशन में आकर बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। हालांकि इस वजह से इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है।
तो दोस्तों ऐसे में उन्हें सबसे पहले अपने इमोशन को ध्यान रखना चाहिए और किसी से भी बैर नहीं करनी चाहिए। हर काम को एकाग्रता के साथ करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसे लोगों को मेडिटेशन खास फायदा देता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है, बल्कि उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही काम का है और आप सभी के लिए बहुत ही ये मददगार भी साबित होने वाला है। जीवन में ऐसी और भी अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।